वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कुकरेती ब्लॉग्स। और दोस्तों बस अब हम यहाँ से सी ऑफ कर रहे हैं घर से और निकल रहे हैं यहाँ से साईं बाबा के मंदिर जहाँ पे हमने भंडारा करवाया है। तो बस आपको वहीं से मिलते हैं और सबको यहाँ पर हम बाय बाय कह रहे हैं। साथ में कौन चल रहा है हमारे? वैदिक नहीं जा रहा। अच्छा वैदिक नहीं जा रहा, वैदिक नहीं रहेगा। तो साथ में जा रहे हैं ससुर जी और सासू जी जा रहे हैं साथ में। तो बस यहाँ से तो अभी हम निकल रहे हैं और सीधे मिलते हैं आपको साईं बाबा के मंदिर। देखते हैं वहाँ पे कैसे कैसे होता है, मतलब क्या अरेंजमेंट है वहाँ पर। फर्स्ट टाइम ही मतलब यहाँ पे जा रहे हैं, तो चलते हैं। वैदिक कब आया? वैदिक की टीका पिठाई हो चुकी है। ले भाई, वैदिक नाना जी ने वैदिक को दे दिए पैसे। अब ना वैदिक जाने की तैयारी, अब घर की तैयारी हो रही है। आज हम जा रहे हैं घर, है ना वैदिक? वैदिक को एक लिफाफा और मिल चुका है मासी की तरफ से। मुझे लग रहा है उसमें ज्यादा ऐसे वो वैदिक छोड़ नहीं रहा है। वैदिक ये वो सारे पकड़ेगा, रुक जा। क्या तुम खाली दे रहे हो? वो कह रहा है लाओ और देते रहो बस। तो अभी सी ऑफ कर रहा है वैदिक सबको। ये हमारा शानू बच्चा सोया हुआ है। शानू आज सी ऑफ नहीं कर पाएगा। तो आज हम जो है शानू को मतलब जा रहे हैं और काफी सी ऑफ कर रहे हैं। अब पता नहीं शानू अब कब मिलेगी। वैदिक भैया के बर्थडे में आएगी मुझे लग रहा है। अब क्योंकि हम तो जा रहे हैं, बस शानू यहाँ से निकल जाएंगे फिर कोटद्वार में। हाँ तो हम बहुत टाइम बाद मिलेंगे, अब देखते हैं कब मिलेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब हम बच्चों से मिलते हैं, मतलब सभी बच्चों से मिलते हैं। बच्चे काफी मासूम होते हैं। मासूम हाँ, बहुत ज्यादा मजा आता है। और ये तो कल आपको देख के हंस भी रही थी। तो सी ऑफ करने का मन तो नहीं कर रहा है। तो वैदिक की मासी बाई कर रही है और आंटी जी सी ऑफ करने आई है यहाँ पे। आंटी हर रोज में आती है। हाँ ये रहा वैदिक, और वैदिक का ध्यान है बस, वैदिक का ध्यान है घूमने में हम। हाँ और यहाँ पे बैठे हैं ये, आप पापा जी भी चलेंगे आज हमारे साथ। और आज आंसू बैकपैकर नहीं जा रहे हैं। बाय। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं साईं बाबा के मंदिर। तो अभी हम कुछ सामान ले रहे हैं और फिर अंदर जाएंगे, साईं बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद करेंगे वैदिक के नाम पे भंडारा जो कि 3 महीने पे हमने करवाना था। लेकिन अब तो वैदिक 6 महीने का हो गया, उस टाइम कोविड के टाइम पे हम नहीं करवा पाए। सो अब करवाएंगे भंडारा। तो ये हम सामान ले रहे हैं सामने जो है, प्लेट और कुछ डोंगे वगैरह। लोग ना साईं बाबा को माला वाला भी चढ़ाते हैं। तो सामने है यहाँ पे जूता घर, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने यहाँ पे शिरडी साईं बाबा का मंदिर है। तो यहाँ पर मतलब जब भी यहाँ पर आओ ना, तो यहाँ पे हमेशा भंडारा जो है वो लगा ही रहता है। कभी कोई करवाता है, कभी कोई करवाता है। तो पहला जो ये भोग है ये लगने जा रहा है हनुमान जी को। ये हमारे अंकल जी इनके सजने से बन रहा है। तो कितने टाइम से काम कर रहे हो भाई साहब यहाँ पे? 26 साल से। तो 26 साल से जो है भंडारा यहाँ पे, मतलब जिनको भी भंडारा करवाना हो वो इनको बोल सकते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? कुणाल वैष्णो ढाबा, सतीश बदवा कैटरर। नंबर बता देंगे। कुणाल वैष्णो ढाबा। बहुत अच्छा बनाते हैं, हमने इनके पास 3-4 बार करवा दिया। हाँ अच्छा बनाते हैं, बहुत बढ़िया। हाथ लगाओ उस पे, फिर चलेंगे हम। खाना नहीं है यहाँ? वो तो पूरी ले आओ, साथ में ले चलते हैं। तो ये हनुमान मंदिर, तो यहाँ पे सबसे पहले भोग लगेगा, उसके बाद भंडारा शुरू होगा। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में। ये है हनुमान मंदिर। वैदिक नाना जी की कॉलर से खेल रहा है कंजू। यहाँ पर हनुमान जी को भोग लग चुका है। हाँ अब चलते हैं शुरुआत। चलो वैदिक तो अभी नाना जी की गोद में है और यहाँ पे खड़े हो चुके हैं वैदिक के पापा भंडारा बांटने के लिए। और वैदिक की नानी तो ऐसे प्यार हो रखी है कि बस रेड पैक। आलू की सब्जी बस बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ और पूरी भी बस आने वाली है। भंडारे की आलू की सब्जी वैसे भी अच्छी होती ही है। अभी आ चुकी है पूरियां
भंडारे की पूरी है ना, तो पूरी भी काफी गर्मा गर्म है और अभी अभी बनी है, धूप हो रही है मतलब यहाँ पे तो गर्मी हो रही है। हाँ ये तो है। आ जाओ तो ये भैया आवाज लगा रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, तो सब आएंगे। अच्छा तो वैदिक जी बांटेंगे पहली हलवा पूड़ी, नहीं पूड़ी और सब्जी। वैदिक एक दो में लगवा दो बस, रखना है। हाँ आ गया छोटू सा बच्चा, छोटू सा बच्चा ओए कैसे चिपकाया पापा पे। एक और दे दो मम्मी, ये भी खाएगा ये छोटा भी, छोटा भी गया पापा के साथ। वैदिक वैदिक हाँ वैदिक को नींद आ रही है वैसे, लेकिन जब भी भंडारा होता है ना और जब भी मतलब हम बांटते हैं तो मतलब दिल से बहुत ज्यादा खुशी होती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है भंडारा करने में, भंडारा खाने में ही बहुत अच्छा लगता है। तो हम खाने भी जाते हैं, खाने भी जाते हैं, बड़ा मजा आता है। हाँ और ये कच्ची घुमा रहे हैं और मैं बांट रहा हूँ जैसे कि इन्होंने बनाई हो। ऐसे ऐसे घुमा रहे पूरे हलवाई के। हाँ ये है, पूरा स्टाइल जैसे घुमा के रहे, टक टक कर रहे, टक टक भी हो रहा है साथ साथ में। पाव भाजी वाली में रेडी के कर रहे हैं, उसमें भी वो यूं ऐसे भाजी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस पूरा है बिंदु भाई कड़ची घुमाने का। घर में घुमाते हैं कितनी बार है ना, मामी जी के इशारे पे, मामी जी के इशारे पे हो रहा काम, मामी जी ने इशारा किया कि बस अभी रुक जाओ, अभी मत बनाओ, अभी मत बनाओ। अरे छोटू आपके दोस्त कहाँ हैं? हैं? दोस्त कहाँ हैं भाई, दोस्त ये दोस्त हैं और नहीं है, डाल दो उसी में। तो यहाँ पर हमने सबको तो खाना बांट दिया भंडारा का, तो अभी भंडारा के सबसे लास्ट पर्सन आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जानने वाले यहाँ से जा रहे थे रास्ते में, तो हमने कहा भंडारा खाना खा लो। तो मैंने भी सोचा कि मैंने ऐसा मौका कभी कभी मिलता है ये खा रहे हैं। भाई साहब सब्जी चाहिए और चम्मच चम्मच नहीं भैया, ऐसे खाना पड़ेगा। मैं खा रहा था, मेरी वीडियो बनाई ऐसे करके खा रहा था। अबे ऐसी बनेगी। ये है कुछ मंदिर स्टेप तो स्लो गाइस फाइनली हम बाय बाय कर रहे हैं। भैया बाय, मम्मी जी नमस्ते, मम्मी बाय, आप भी जा रहे हो? तो ये पापा जी, पापा जी नमस्ते। वैदिक अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा, वैदिक बोर भी हो गया बहुत ज्यादा, वो वैदिक को नींद आ रही है ना? अब चलेंगे घर। सो गाइस बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मंदिर में आके, तो अब हम जा रहे हैं घर और तो यहीं पे करते हैं ब्लॉग को एंड। तो बने रहिएगा हमारे साथ और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, ठीक है।